हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ क्लास ईवीएस का जो चैप्टर है आपका अ स्नेक चार्मर स्टोरी, इसके अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। एनसीईआरटी से चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद है चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बारी है कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की, क्योंकि एनसीईआरटी में बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में नहीं दिए होते हैं आपकी बुक में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर टू, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन अ बीन पार्टी। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन पार्टी में यूज होता है? ऑप्शन है आपके टुम्बा, खंजीरी, ढोल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बीन पार्टी की पिक्चर भी इनफैक्ट आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, उसमें आपने देखा है कि ये सभी चीज़ें जो है यूज़ होती है तीनों ही। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजीरी इज मेड फ्रॉम ड्राइड। खंजीरी और ये जो चीज़ें हैं जो बीन पार्टी में यूज़ होती है, ये किस चीज़ से बनी होती है? सूखे हुए बॉटल गार्ड से, बिटर गार्ड से, स्नेक गार्ड से या फिर रिज गार्ड से? तो ये बनती है सूखे हुए बॉटल गार्ड यानी कि लौकी से। नेक्स्ट, कालबेलिया इज ए काइंड ऑफ। कालबेलिया क्या है? एक डांस फॉर्म है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिज़ाइन है या कोई सॉन्ग है? तो कालबेलिया एक डांस फॉर्म है। इनफैक्ट एक ट्राइब का नाम भी कालबेलिया ही है, जो कि सपेरा कम्युनिटी थी, पहले स्नेक्स को रखती थी, स्नेक चार्मर्स की जो कम्युनिटी थी वो भी कालबेलिया ही थी। द सपेरा कैरिड स्नेक्स इन। सपेरा स्नेक को किस में कैरी करते हैं? टिन बॉक्स में, बैम्बू बास्केट में, क्लोथ बैग्स में या फिर नन ऑफ दीज? तो वो उनको कैरी करते हैं बैम्बू बास्केट में, बांस की बनी हुई बास्केट में, जिससे कि एयर भी पास होती रहे और वो उसमें अंदर ही रहे, किसी को नुकसान भी ना पहुँचाए। वॉट इज़ द अदर नेम ऑफ दुबोइया स्नेक? दुबोइया स्नेक का दूसरा नाम क्या है? चार स्नेक्स के बारे में आपको आपके चैप्टर में बताया हुआ है, जो कि सिर्फ चार ही पॉइजनस स्नेक है, टाइप के पॉइजनस स्नेक है इंडिया में। सॉ स्केल वाइपर, सैबरेट टूथ वाइपर, रसल वाइपर या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, रसल वाइपर। रसल वाइपर को दुबोइया स्नेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है आपका सपेरा यूज टू प्ले द बीन टू एंटरटेन पीपल। सपेरा लोगों को एंटरटेन करने के लिए बीन प्ले करता है, ट्रू है। स्नेक चार्मर्स नो हाउ टू रिमूव द पॉइजनस फैंग्स ऑफ द स्नेक। सपेरा को पता होता है कि किस तरीके से स्नेक्स के पॉइजनस टूथ निकाले जाएंगे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, स्नेक चार्मर्स और कालबेलिया यूज टू गिव स्नेक्स टू देयर डॉटर्स व्हेन दे गॉट मैरिड। जब उनकी शादी होती है उनके डॉटर्स की, तो वो कई बार स्नेक्स को गिफ्ट में भी देते हैं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट। सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, इनफैक्ट मोस्टली पॉइजनस नहीं होते। द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रू है। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्नेक बाइट की दवाई आपको मिल जाएगी। स्नेक्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्नेक चार्मर्स लाइफ। स्नेक चार्मर की लाइफ का स्नेक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल ट्रू है। उनके लाइवलीहुड का एक यही साधन था पहले। स्नेक डांस टू द ट्यून ऑफ द बीन। स्नेक्स बीन के ट्यून पे डांस करते हैं, ट्रू है। कालबेलिया हैव डांस मूवमेंट सिमिलर टू मूवमेंट ऑफ स्नेक। कालबेलिया डांस की जो मूवमेंट है वो स्नेक की मूवमेंट जैसी ही है, स्नेक जिस तरीके से चलता है वैसे उसमें भी डांस मूव्स हैं, ट्रू है। वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स, बिल्कुल ट्रू है। हमें एनिमल्स को परेशान, टीज या फिर हर्ट नहीं करना चाहिए। स्नेक चार्मर मेक मेडिसिन फ्रॉम स्नेक बाइट्स फॉर स्नेक बाइट फ्रॉम द स्नेक पॉइजन। स्नेक चार्मर जो है स्नेक के पॉइजन से स्नेक बाइट की दवाई बनाते थे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो जंगल से बहुत सारी कई पेड़ों की जड़ों से और इन सब से लेके जो है दवाइयाँ बनाते थे। स्नेक पॉइजन से स्नेक के बाइट की जो दवाइयाँ हैं वो साइंटिस्ट ने बनाई हैं बाद में। स्नेक चार्मर ट्रीट देयर स्नेक्स बैडली, फॉल्स स्टेटमेंट है। वो बिल्कुल भी बैडली ट्रीट उनको नहीं करते थे। स्नेक्स आर फ्रेंड टू द फार्मर्स, ट्रू है। स्नेक्स जो हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो जो ट्रैट्स हैं उनके खेतों में उनको खा जाते हैं। अगर वो उन्हें नहीं खाएंगे तो वो फसल को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए, चूज करके आपको नीचे फिल करने हैं। वर्ड्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर, मदारी, कालबेलिया, बीन, फैंग्स, मार्क, डेथ, मेडिसिंस। नेक्स्ट इज नाग गुम्फन, ट्रेजर एंड ड्राइड गार्ड लॉकी। डैश आर पीपल हु मेक द स्नेक डांस डांस बाई प्लेइंग द डैश। ये वो लोग हैं जो कि स्नेक को डांस कराते हैं बीन बजाकर, बाय प्लेइंग द बीन, बीन बजाते हैं। और ये लोग कौन हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग स्नेक चार्मर्स या फिर सपेरास। ओके, नेक्स्ट, स्नेक चार्मर्स मेक डैश फ्रॉम द प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से प्लांट को इकट्ठा करके
स्नेक चार्मर क्या बनाते थे उनसे, वो उनसे मेडिसिन बनाते थे, उनको इनकी नॉलेज थी। फ्रॉम द डैश ऑफ द बाइट सपेरा कुड फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। किस चीज़ से सपेरा ये पहचान लेता था कि वो जो है किस सांप ने उसको काटा है, तो फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट, काटने के जो निशान थे उन्हीं से वो पहचान लेता था कि किस सांप ने उसको काटा है। स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डैश ऑन द स्पॉट, स्नेक बाइट से इनफैक्ट ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। कई स्नेक्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर नोन एज, जो कि पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के जिनसे पॉइजन निकलता है, आगे के दो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैंग्स। फैंग्स डिज़ाइन ऑफ रंगोली एम्ब्रॉयडरी एंड वॉल डेकोरेशन विद द मोटिफ ऑफ स्नेक इज़ यूज इन गुजरात एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और गुजरात में वॉल डेकोरेशन के लिए रंगोली एम्ब्रॉयडरी ये सब चीज़ जो है इनके ऊपर स्नेक जैसा एक डिज़ाइन होता है, दीज आर कॉल्ड, ये जो डिज़ाइन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं नाग गुम्फन, नाग गुम्फन। ओके, इस डिज़ाइन का नाम है ये। स्नेक आर अ डैश फॉर कालबेलिया, कालबेलिया के लिए स्नेक जो एक ट्रेजर थे, एक धन जैसा था उनका, विच दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते थे, सांप ही दिए जाता था, वही उनका एक तरीके से ट्रेजर था। नेक्स्ट, द बीन यूज्ड बाय स्नेक चार्मर्स आर मेड ऑफ, जो स्नेक चार्मर बीन बजाते हैं वो किसका बनता है, वो बनता था ड्राइड गार्ड का, बॉटल गार्ड जो होता है लौकी जिसे आप कहते हैं उससे बनाया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, स्नेक्स फ्रेंड होते हैं फार्मर के, कारण बताइए कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज स्नेक्स किल या फिर ईट किल्स, किनको किल करते हैं, ये रैट्स को, ये चूहों को मार देते हैं, दैट डैमेज क्रॉप्स, जो कि आपकी क्रॉप को डैमेज करते हैं, खराब करते हैं क्रॉप्स। गवर्नमेंट मेड लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप वाइल्ड एनिमल्स, गवर्नमेंट ने लॉ क्यों बनाया कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं करेगा या फिर किल नहीं करेगा। बिकॉज पीपल किल एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बेनिफिट, क्योंकि लोग जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे थे उनके बेनिफिट के लिए, इसलिए उन्होंने लॉ बनाया कि कोई भी अपने पास नहीं रखेगा, कैच नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। हालांकि जो सपेरा थे वो मारते नहीं थे, बट फिर जब लॉ बनता है तो वो सभी पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर स्नेक्स अ ट्रेजर फॉर सपेरास, ट्रेजर क्यों थे सपेरा के लिए स्नेक्स जो हैं वो, क्योंकि वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थे, बिकॉज स्नेक्स वर देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना, जीवन जो चलता था उनका उसका एक जरिया थे वो, उसी से वो पैसे कमाते थे लोगों को डांस दिखा के, लोगों को एंटरटेन करके, तो इसलिए वो उनके लिए एक तरीके से ट्रेजर थे। हाउ वर सपेराज ऑफ ग्रेट हेल्प टू विलेज पीपल, सपेरा जो थे वो लोगों के लिए ग्रेट हेल्प क्यों थे, बिकॉज दे प्रोवाइड देम मेडिसिन, वो उनको मेडिसिन देते थे, दवाइयाँ देते थे, जंगल से कलेक्ट करके लाते थे मेडिसिन। हाउ डज पॉइजन ऑफ अ स्नेक एंटर अ पर्सनस बॉडी, एक पर्सन की बॉडी में जो जहर है सांप का वो कैसे एंटर करता है, तो थ्रू देयर फैंग्स, उनके जो आगे के दांत होते हैं जहरीले दांत जिनको कहते हैं फैंग्स, वो सीधा कनेक्टेड होते हैं उनके पॉइजनस ग्लैंड जो होती है सांप के उससे, और जब वो किसी को काटते हैं वो हॉलो टीथ होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, तो जब वो काटते हैं किसी को तो उन खोखले टीथ में खाली जो टीथ है अंदर से उनमें जहर आ जाता है, वो पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वो फैंग्स के थ्रू एंटर करता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर करिए, विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो ये बजा रहे हैं, ये है बीन। द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ विच मटीरियल, ये जो बीन है ये किससे बनती है, ये बनती है ड्राइड बॉटल गार्ड से, सूखे लौकी से। ओके, नेक्स्ट, नेम द पीपल हु प्ले सच इंस्ट्रूमेंट्स, कौन जो इनको बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्नेक चार्मर्स या फिर सपेराज कहते हैं, सपेराज। व्हाट एल्स डू दे कैरी टू हेल्प पीपल, और क्या चीज़ वो ले उनके पास होती है लोगों की हेल्प के लिए, उनके पास मेडिसिन होती है जो वो जंगल से कलेक्ट करके लाते हैं। नेम द डांस दैट शोन इन द पिक्चर, पिक्चर में जो डांस आपको दिखाया हुआ उसका क्या नाम है, ये है कालबेलिया डांस। हु आर द पीपल हु परफॉर्म दिस डांस फॉर्म कॉल्ड, जो लोग इस डांस को करते हैं उन्हें भी कालबेलियाज ही कहा जाता है, ये कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं कालबेलिया। हाउ इज दिस एसोसिएटेड विद स्नेक, ये स्नेक से कैसे एसोसिएटेड है कालबेलिया, कैसे रिलेटेड है, इट्स मूवमेंट्स आर
लाइक स्नेक, इसकी जो मूवमेंट है वो सांप जैसी होती है, जैसे सांप मूव करता है ऐसे इस डांस में इस तरीके से मूव किया जाता है। नेक्स्ट इज देयर अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, हाउ इट इज़ मेड, क्या स्नेक बाइट की कोई मेडिसिन है और वो कैसी बनाई जाती है। यस, स्नेक बाइट की मेडिसिन होती है और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। और कैसे वो बनाई जाती है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्नेक्स पॉइजन, जिस स्नेक की आपको वो बनानी है उसके पॉइजन से ही, उसके जहर से ही उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। व्हाट इज़ नागुम्फन, नागुम्फन क्या है एंड व्हाट आर देयर यूजेस, उसके यूजेस क्या। नागुम्फन मैंने आपको बताया भी था, एक डिज़ाइन है एक्चुअली, इट इज़ अ डिज़ाइन यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रंगोली, एम्ब्रॉयडरी और डेकोरेशन में, एंड डेकोरेशन RATIUN। ओके नेक्स्ट, और ये इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो शेप है वो कुछ स्नेक जैसी होती है, सांप जैसी होती है। गुजरात और साउथ इंडिया सौराष्ट्र में ये जो है बनाया जाता है। आगे आते हैं, नेम द फॉलोइंग थ्री पॉइजनस स्नेक फाउंड इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में तीन कौन से स्नेक्स हैं जो पॉइजनस मिलते हैं। कोबरा, दुबोइया या फिर जिसको आप रसल्स वाइपर भी बोलते हैं, क्रेट, कॉमन क्रेट एंड अफाई। ओके, अफाई को सॉ स्केल्ड वाइपर भी कहते हैं। चार है, मैंने चारों के नाम आपको बता दिए हैं जो भी आप याद रख सके। क्रेट, थ्री इंस्ट्रूमेंट विच आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड, कौन से तीन इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्राइड गार्ड से बनाए जाते हैं। ये है बीन, ये भी सूखे लौकी से बनती है, तुम्बा एंड खंजीरी। ओके, तीनों ही चीज़ें ये जब बीन पार्टी होती है उसमें बजाई जाती है। थ्री एनिमल्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट बाई पीपल, तीन एनिमल्स जो कि लोग कई बार यूज़ करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, मंकी एंड बेयर एंड स्नेक्स। थ्री एनिमल्स दैट आर डोमेस्टिकेटेड फॉर यूज, कौन से तीन एनिमल्स हैं जो कि आप डोमेस्टिकेट करते हैं यूज़ के लिए। सो काओ, गोट एंड कैमल, पालते हैं जिसको घर में। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग सिक एनिमल्स, जो कि बीमार जानवरों को ट्रीट करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, इनको वेटरिनेरियन कहा जाता है, वेटरिनेरियन NARIAN, वेटरिनेरियन। ओके नेक्स्ट, लाइक स्नेक चार्मर्स कुछ और भी कम्युनिटीज़ है जो कि एनिमल्स को रखती हैं। अब बताइए कि किस लिए इन एनिमल्स को रखा जाता है। काऊ को क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हमें मिल्क देती है, इट गिव्स अस मिल्क। हॉर्स को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो लोड्स को कैरी करता है, सामान बोझा ढोता है। हेन को क्यों रखा जाता है, बिकॉज ये इट गिव्स अस एग। शीप को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो हमें वूल देती है। और फिश एक सोर्स ऑफ फूड होता है। ये और भी एनिमल्स हैं जिनको कि अलग अलग यूजेस के लिए हम घर में रखते हैं। मैच द प्रोफेशन विद द एनिमल्स यूज्ड इन देम, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को यूज़ करते हैं, उनको बताइए कि कौन क्या यूज़ करता है। स्नेक चार्मर्स स्नेक्स को यूज़ करते हैं। मदारी जो है वो मंकी को यूज़ करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। फॉर्चून टेलर कुछ आपने देखा होगा जो आपका भविष्य बताते हैं, वो पैरट को यूज़ करते हैं, तोते को यूज़ करते हैं। सर्कस में जो लोग हैं वो एलिफेंट्स और लायंस को यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट थ्री क्वेश्चंस, हु आर स्नेक चार्मर्स, स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं। स्नेक चार्मर्स आर पीपल हु मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, बैम्बू बास्केट में लेके स्नेक्स को इधर उधर जो जाते रहते हैं उनको हम लोग स्नेक चार्मर्स कहते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर्यनाथ फादर टॉट हिम व्हेन ही ग्रू ओल्डर, जब आर्यनाथ बड़ा हो गया तो आर्यनाथ के फादर ने उनको क्या सिखाया। आर्यनाथ फादर टॉट हिम दैट दीज टू थिंग्स व्हेन ही ग्रू ओल्डर, दो चीज़ें सिखाई थी, रिमूविंग पॉइजनस टीथ फैंग्स ऑफ स्नेक, स्नेक के पॉइजनस टीथ फैंग्स कैसे निकाले जाते हैं, क्लोजिंग द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन स्नेक्स माउथ, स्नेक के मुंह की जो पॉइजनस ट्यूब है उसको कैसे बंद किया जाता है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया आर पॉइजनस, कितने टाइप के स्नेक्स हैं इंडिया में जो कि पॉइजनस होते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको दुबोइया भी कहते हैं, दुबोइया, और लास्ट है सो स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई कहा जाता है। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। होपफुली एक क्विक रिविजन हो गई होगी, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।